नाउ सम इम्पॉर्टेंट एनिमल्स वी विल कवर फर्स्ट वन बींग अर्थवॉम यानी फेरेटिमा या लुम्ब्रिकस इंडिया में ये दोनों जीनस यानि जेनरा मिलते हैं और फेराटिमा पॉस्थ्यूमा भी बोल देते हैं उसको मतलब जीनस और स्पीशीज फेरेटिमा पॉस्थ्यूमा फाइलम एनेलिडा है इसका ये एक इन्वर्टिब्रेट है यानी नॉन नौ, कॉडेट है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है जमीन पे रहने वाला और सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है जी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है बहुत सारी सेगमेंट्स आपको पता है लाइने लाइनें कट 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 मिलते हैं कट, केंचुए में यानी अर्थवॉर्म में ये इसकी पहचान है यानी मेटामीयर्स मोर देन हंड्रेड मेटामीयर्स इन वन एनिमल कैन बी फाउंड और ऊपर अगर बॉडी डॉर्सल वाली देखो लाइन तो एक लाइन मिलती है जी यहाँ पे डॉर्सली सेंटर में एक लाइन होती है लॉन्गिट्यूडनली चलती है जो एक्चुअली डॉर्सल ब्लड वेसल है और नीचे यानी वेंट्रल एरिया में आपको मिलेंगे जेनिटल पोर्ट्स इस एनिमल में ये एक हरमेफ्रोडाइट है हरमेफ्रोडाइट एनिमल है यानी इसमें मेल एक ही एनिमल में मेल भी मिलेगा और फीमेल भी दोनों के गेमिट्स एक ही एनिमल में मिलेंगे दोनों के ऑर्गन्स मिलेंगे इसकी बरोइंग हैबिट होती है ये सब हम क्या पढ़ रहे थे जो अभी हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस एनिमल स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स मॉर्फोलॉजी 14 टू 16 सेगमेंट के बीच में अगर आप फोर्टीन से लेकर सिक्सटीन सेगमेंट गिनो तो उसके बीच में एक बैंड होगा डार्क कलर का बैंड अलग से नजर आएगा जिसको बोलते हैं क्लाइटेलम ये भी इसकी पहचान है क्लाइटेलम बैंड इसमें मेटामियर्स सेगमेंट्स क्लियरली दिख रही हैं बहुत सारी क्लाइटेलम दिख रहा है बैंड फोर्टीन से लेकर 16 सेगमेंट में मिलेगा प्रोस्टोमियम दिख रहा है जो माउथ की एक कवरिंग है कवर है ऑफ द माउथ मैंड फॉर डिगिंग द अर्थ इट हेल्प्स इन डिगिंग द अर्थ पार्टिकल्स एनस सबसे नीचे तो कंप्लीट एलिमेंट्री के नाल है इसकी